नमस्ते, मैं डॉक्टर अश्विन परी मेरे YouTube के फ्री जिगोस्टिम्बर वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं YouTube पर बिल्कुल ही फ्री में जिगोस्टिम्बर सिखा रहा हूँ। अभी तक 50 से भी ज़्यादा सिंबल के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर से जाके देखिए। आज का जो जिगोस्टिम्बर है वो है आध्यात्मिकता से यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, दो सिंबल मैं सिखाऊंगा आज, एक है कंपैशन, दूसरा है प्योरिटी। कंपैशन यानी कि करुणा, प्योरिटी यानी कि शुद्ध होना। आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ कैसे ड्रॉ करना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इसको यहां से लेना है, फिर ऐसे नीचे जाना है, फिर ऐसे स्पाइरल ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है कंपैशन सिंबल, दूसरा है प्योरिटी। ये जो फर्स्ट नंबर है आपको, ये जो फर्स्ट नंबर का स्पाइरल है वहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आपको लेना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है और दूसरा स्पाइरल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, ये है प्योरिटी सिंबल। देखिए जितने भी बड़े महान आत्मा देखेंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध है, मदर क्रियानेन है, ईसा मसीह है, भगवान महावीर है, वो सबका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था? वो था कंपैशन, यानी कि करुणा से भरपूर था उनका हृदय, बहुत ही करुणा से भरपूर था। उनका हार्ट चक्र बहुत ही प्योर था, शुद्ध था। वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते थे, भले ही चाहे उन्होंने सामने वाले उन्होंने उनका क्या उनका बुरा किया हो, फिर भी वो उनके प्रति करुणा ही रखते थे और इसीलिए वो आज वो इस स्तर पर है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दिल में आप करुणा डेवलप करें, ठीक है, आप ही अपने हार्ट में करुणा से भरपूर होना चाहते हैं, तो ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप करुणा से भर जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप हील होना चालू हो जाएंगे, आपकी आत्मा अपने आप हील होना चालू हो जाएगी, आप आध्यात्मिक स्तर में और आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। ठीक है, आपका हार्ट चक्र बहुत ही प्योर और शुद्ध हो जाएगा। दूसरे जो डिजीज होता है ना, वो भी आपको धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आपको हार्ट चक्र का बैलेंस करने के लिए, आपका आत्मा को करुणा से भरपूर करने के लिए आप कंपैशन सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है प्योरिटी सिंबल, वो भी इसका मैंने क्या है, शुद्ध होना, यानी कि अपने शरीर को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, प्योरिफाई करने के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप जिस कोई खाना खाते हो या पानी पीते हो या आपका घर हो, ठीक है, तो उसको भी आप शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए आप इसे हवा में ड्रॉ कर सकते हैं। खाना हो तो उसके ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, पानी पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आपके घर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी आपका घर प्योर हो जाएगा, आपके ऑफिस शॉप जहां भी आप ड्रॉ करेंगे वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही यूज है ये कंपैशन ऑफ प्योरिटी का। ठीक है, जैसे मैंने बताया यूज, ये आपकी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए ही है सिंबल। ठीक है, दूसरा कोई मेजर यूज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, आपका एसेंशन हो आगे, आपका हार्ट चक्र प्योर रहे, आपकी आत्मा प्योर बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, कंपैशन से भरपूर बने, तो आप ये दो सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे और वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बाकी काफी और भी सारे वीडियो आने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज से लेके या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल जिगोस्टिम्बर का कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। एक वीडियो तो मैंने अपलोड भी कर दिया है, दूसरे और भी वीडियो आने वाले हैं, तो अगर चाहते हैं कि वो आप मिस ना करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए, कॉमेंट में भी आप बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।